इस वचन को देखते हैं, क्या कहा था तिमोथियस को उसने। तिमोथियस की पत्री, फर्स्ट तिमोथियस, जहां पे ऐसे अगर हम आठ से पढ़ते हैं तो यहां पे ऐसे लिखा, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें, वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सुवारें, ना के बाल गुथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। और इस वचन को कुछ लोग ऐसे प्रीच करते हैं, ऐसे प्रचार करते हैं कि यहां पे ऐसे लिखा है कि जो स्त्रियां वो कुछ ना पहने, क्या ना पहने, कुछ ना पहने, मतलब यहां पे ऐसे प्रेरित पॉल ने कहा ना कि वैसे ही स्त्रियों को भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सुवारे, ना के बाल गुथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। वो कहते हैं कि यहां पे ऐसे लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि स्त्रियों के जैसे कुछ लोग बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, संधूर लगाना क्या मानते हैं, पाप। और कुछ लोग ऐसे प्रीच करते हैं, प्रचार करते हैं कि ये पाप है, ये बाइबल में लिखा है। हाँ, क्या है बोलो, ये प्रचार है, प्रचार करते हैं कि यहां पे ऐसे लिखा है स्त्रियों को कि आपने ये चीजें नहीं लगाना। हाँ, कोई कान में क्या नहीं डालनी, कोई वाली, कोई कुक्का, हाँ, नाक में, कोई ऐसी चीजें नहीं करनी। हाँ, ये पाप है, ये शैतान की चीजें। किसकी चीजें हैं ये? शैतान की चीजें। तो अगर वो अधूरा मसीह है तो वो कहीं कहेंगे वहां पे, तो वो कहते कोई बात नहीं, बोले वो शैतान के बंदे। क्या है वो? क्योंकि आजकल गलत प्रचार बहुत हो रहा है। क्या हो रहा है? गलत प्रचार बहुत हो रहा है। इसलिए लिखा, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, आत्माओं को समझो कि वो किससे, परमेश्वर से है कि किससे। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, यूहन्ना कहता। समझ आ रही? तो बहुत सारे लोग तो ऐसे बोलते हैं कि यहां पे ऐसे लिखा है, और जो अधूरा मसीह है, जो नहीं जानता उसके ज्ञान को, उसकी सच्चाई को अच्छे से, तो वो समझेगा वो तो ऐसे कहते हैं, वो बोलते हैं वो शैतान के बंदे। क्योंकि लोग आजकल वचन को क्या कर रहे हैं, त्रोड़ मरोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? त्रोड़ मरोड़ रहे हैं कि ये वचन जो लिखा गया, ये पॉलस क्यों ऐसे कह रहा है, क्यों ऐसे वो बोल रहा है। उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ये हमें कहा कि स्त्रियां कुछ ना लगाएं। उसका कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो स्त्रियों को संकोचन, ये नहीं होना चाहिए कि वो बाहरी रूप को सजाते रहें, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, भीतरी मनुष्यतम में सामक पाकर क्या हो जाओ बलवान। ऐसा नहीं कि वो बाहरी रूप में सजने सजाने में लगी रहे, इसलिए उसने ऐसे कहा। हाँ, कि अपना टाइम इन्हीं चीजों में वो वेस्ट ना करें। क्या ना करें? अपना टाइम इन्हीं चीजों में वो वेस्ट ना कर दें, इसलिए ये बात लिखी। पर लोग उल्टा उसका मतलब निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उल्टा। और दस में लिखा, पर भले कामों में और परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। और अभी मैं इस वचन से भी आपको बताता हूं कि इस वचन को लोग यहां पे ऐसे लिखा है कि स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। और कुछ लोग ऐसे प्रचारिक हैं, प्रचार करते हैं, जो कहते हैं कि स्त्री उपदेश नहीं कर सकती, वो प्रचार नहीं कर सकती। हाँ, क्या नहीं कर सकती? स्त्री उपदेश नहीं कर सकती, वो प्रचार नहीं कर सकती। इस वचन को लेकर ऐसे बोलते हैं। पर ये वचन किस लिए
ऐसा पौलुस ने कहा, क्योंकि उस समय जब लोग जैसे सभा लगी है तो सभा में बहुत सारी स्त्रियां और मर्द भी हैं, तो अगर उनका कोई मसला है तो वो चर्च में ही सब लोगों के सामने क्या है, अपने मसले को लेकर क्या करती थी, बोलने लगती थी। क्या लगती थी? ये इसलिए उसने ऐसे तिमोथियस को कहा कि उन्हें ये खत, जब ये पत्री लिखी गई तो उसने ये मतलब उसका बताया, हाँ, कि जब सभा लगती है जैसे, तो जब स्त्रियां जो लोग परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए आते हैं तो स्त्रियां भी आती, मर्द भी आते हैं, तो कोई भी अगर उनका अपना घरेलू झगड़ा है तो वह सब लोगों के सामने क्या है, परमेश्वर की पवित्र हजूरी के सामने क्या करते हैं, ऐसे वो कहते हैं इसको पूछो जी, आप बता रहे हो ऐसे करो ऐसे करो, ये देखो ये करता है, वो आगे से कहेगा ये ऐसे करती वो ऐसे करती, तो वहीं पे झगड़ा। इसलिए पौलुस ने ये खत ये पत्री लिखी कि सभा में स्त्रियां कह रही चुपचाप रहे, क्या रहे, ये मतलब इसलिए ये वचन लिखा गया। पर लोग उसको तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं कि ये बाइबल में लिखा कि स्त्रियां उपदेश नहीं कर सकती, प्रचार नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, ऐसे भी प्रचार हो रहा है, क्या है, ऐसे भी प्रचार हो रहा है। और बाइबल में लिखा कि अंत के समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता और झूठे नबी, यीशु मसीह ने कहा, उठ खड़े होंगे, जो चुने हुओं को भी क्या कर देंगे, बरमा देंगे, क्या करेंगे, चुने हुए लोगों को भी बरमा देंगे। हाँ, जैसे अभी मैं तो सच्चाई बता रहा हूं, कोई बंदा आपके पास आए और आपकी घर की सब चीजों को गना दे तो ये काम तो जो संसार के सियाने बाबे वो भी कर देते हैं, फिर उन्हें क्या माने हम, परमात्मा माने क्या, क्या माने, ये सच्चाई नहीं, समझते हो। इसी लिखा कि अंत के समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता और उपदेशक उठ खड़े होंगे, क्या होंगे, जो चुने हुओं को भरमाएंगे। यीशु ने कहा सावधान रहना, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें कहे मसीह वहां पे है, वहां पे चले जाओ, वहां पे, हाँ, जैसे आज लोग पहले शक्ति वाला बाबा देखते थे, आजकल लोग शक्ति वाला पास्टर ढूंढते हैं, क्या करते हैं, पहले लोग बाबे सियाने को ऐसे ढूंढते, आजकल कैसा समय आ चुका है, लोग शक्ति वाला पास्टर ढूंढते हैं, किसमें शक्ति है। अभी थोड़े दिन पहले एक सिस्टर हमारे पास आई, उसके ऊपर दुष्टात्मा का उसके ऊपर हालात था, तो हमने सत्य बताया और सच्चाई बताई कि आप ये करो और ऐसा करो, ये कुछ भी नहीं, सच्चाई तो यही है ना कि उसका कोई अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, शैतान क्या है, तो पांव के नीचे है, वो हारा हुआ है, शैतान क्या है, हारा हुआ है, तो उस दिन मंडे की मीटिंग में आई और उसने कहा कि वो जो आपके पास आते थे वो मैंने उन्हें वो मुझे मिले थे, तो मैंने पूछा आप क्यों नहीं जाते यहां पे क्यों नहीं आते, कहते नहीं अब नहीं है वहां पे हम जाते, अब असी एक पास्टर लभ्या वो बड़ी शक्ति वाला है, तुसी भी आ जाओ सको, क्या है, बड़ा शक्ति वाला पास्टर है। तो उस लेडी ने कहा कि आपके जीवन में तो वहां पे परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया था, क्योंकि किसी जिस फैमिली की वो बात बता रही थी, जब वो बंदे आए थे यहां पे इसी चर्च में, तो उसे फूड पाइप की ऐसे पाइप लगी हुई थी, फूड पाइप, क्योंकि उसे पैरालाइज का अटैक आया तो उसे फूड पाइप लगी हुई थी, क्या लगी हुई थी, और जब वो फर्स्ट दिन आए पहले दिन आए और मैंने जब उससे सत्य बताया कि सच्चाई ये, आप ऐसे विश्वास करो, इन नियमों को मानो, कौन आपके लिए, हाँ, जब मैंने सारा कुछ बताया, अगर मैंने कहा विश्वास करो, अगर विश्वास करते हो, मैंने कहा करते हो विश्वास, कहते करते एक साइड पे उसके यहाँ पे फूड पाइप लगी हुई नाक में, खाना खाने उसी में लिक्विड डालते थे क्योंकि मुंह से वो खा नहीं सकता था। और जब मैंने
ऐसे उन्हें बताया तो उनके अंदर इतना विश्वास आ गया, कहते हैं हमें विश्वास है। हाँ, उसकी पत्नी आधा गिलास पानी लेकर ही एक साइड पाइप लगी, ऐसे ही आधा गिलास वो पानी का पी गया। क्या पी गया? फूड पाइप लगी है, उससे थोड़ा थोड़ा उसमें ऐसे एक एक चम्मच करके वो उसे फीड देते हैं जो एक मरीज बंदा है। पर जब उन्होंने यीशु मसीह के इस शुभ समाचार को, उसके सच्चाई को सुना और विश्वास किया, आधा गिलास पानी वो ऐसे बंदा पी गया। कैसे? आधा गिलास वो ऐसे ही। कितना बड़ा हालात था? क्या था? छोटा हालात था। आधा गिलास पानी वो ऐसे पी गया। और डॉक्टरों ने उसे बोला था कि अभी एक महीना लगेगा, और उसी दिन शाम को उसकी पाइप भी उतर गई। एक महीना कहा था कि अभी इसकी पाइप लगी रही, उसी दिन उतरी। पर उन्होंने सत्य को नहीं जाना, उसके प्रेम को नहीं जाना, उसकी सच्चाई को नहीं समझा। क्या नहीं समझा? वो हालात तो चला गया, जो बाकी का हालात था, जो पैरालाइज का, उससे पूर्ण चंगियाई उसे कैसे मिलनी थी? उससे पहले उसने अपना मन शरीर की चीजों पर लगा लिया। हाँ, और यीशु मसीह की सच्चाई को दुनियादारी की तरह, बाबे सियानों की तरह वो उन्होंने बना दिया। समझते हो? इसलिए उतना काम तो उसने किया, पर आगे वाला जो बाकी का काम था वो करने वाला था, पर वो उन्होंने वैसे नहीं किया जैसा परमेश्वर चाहता था। क्योंकि परमेश्वर नियम का परमेश्वर, कानून का परमेश्वर, और नियम और कानून के बाहर वो कुछ भी करता नहीं। पर बाकी की चंगियाई, वो चंगियाई तो होगी, पर जो दूसरे वाला हालात था वो नहीं गया। तो फिर उन्होंने कई चीजों में अपना मन ऐसे किया। एक बार मैंने कहा कि जो लोग बपतिस्मा लेंगे, नया बपतिस्मा लेने के बाद वो नया जीवन पाएंगे और उनके जीवन से हर दुख तकलीफें चले जाएंगी। और उस समय सर्दी का मौसम था और उस दिन बारिश हुई थी। हाँ, ऐसे इतनी सर्दी नहीं थी, पर उस दिन बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया, तो उसकी हालत थोड़ा वो कमजोर था। पर वो अपने उस लालच की वजह से कि इन्होंने कहा है कि क्या हो जाएंगे, सोच से बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा अगर कोई बंदा सोच से लेता है कि बपतिस्मा लो आपके हालात चले जाएंगे, तो सोच से कोई भी काम किया नहीं होगा। हर काम विश्वास मन से करने से होगा। तो उसने सोच से, शरीर से बपतिस्मा लिया कि ये कह रहे हैं कि अगर बपतिस्मा लेंगे आपको नया जीवन मिलेगा और आपके दुख क्या है, आपके हालात चले जाएंगे। उसने शरीर से बपतिस्मा लिया कि आज मैं बपतिस्मा लूंगा। मैंने कहा नहीं, आज ठंडा मौसम है, मैं क्योंकि वो बंदा थोड़ा कमजोर है, मैंने कहा रहन दो अभी, अब फिर ले लें। कहता नहीं नहीं मैंने लेना ही। पर बाद में स्टोरी का बाद में पता चला ना कि ये ऐसा बंदा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अपने शरीर की चीज के लिए कर रहा है। क्या कर रहा है? इसलिए लगा परमेश्वर की वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें समझ दे। क्या दे तुम्हें? समझ दे। आपको समझना चाहिए। तो उसने बिना समझे उस बपतिस्मे को लिया, पर काम नहीं हुआ क्योंकि सोच से लिया, विश्वास से नहीं लिया। फिर नहीं हुआ तो फिर यहां से बोलो, यहां से वो किसी और चर्च में। हा? क्योंकि जो स्टोरी है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसे समझा नहीं। क्या नहीं समझा? और फिर ढूंढने लगे शक्ति वाला। कौन? शक्ति वाला। और आज भी वो शक्ति वाला ही ढूंढ रहे हैं, पर आज भी हालत उनकी उससे भी ज्यादा खराब है। हालत क्या है उसकी? उससे भी ज्यादा खराब है, ज्यादा। समझ रहे हो? और बाइबल में लिखा कि अंत के समय में ऐसा होगा, लोग ढींग मारोगे, स्वार्थी होंगे, परमेश्वर को चाहने वाले नहीं, अपने ही सुख विलास को चाहने वाले, परमेश्वर को नहीं। किसको चाहने वाले नहीं? पर जो उसको चाहने वाला होगा, उसके वचन पर चलने वाला होगा, उसके हर वचन को मानने वाला होगा, उसे स्वर्ग में वो मुकुट तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेगा? उसे स्वर्ग में वो मुकुट तो मिलेगा ही मिलेगा, पर इस पृथ्वी पे भी। बोलो क्या है?
इस पृथ्वी पे भी, जैसे यीशु मसीह ने कहा, नम्र लोग पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। क्या होंगे? नम्र लोग पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। अधिकारी का मतलब समझते हैं? अधिकारी का मतलब इस पृथ्वी की जितनी भी सब चीजों हैं, हाँ, जो परमेश्वर ने बनाई है, उनके सब चीजें उनके पास होंगी। क्या होंगी उनके पास? वो सब चीजें उनके पास होगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, नम्र लोग पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। एक आम सा बंदा भी, हाँ, बोलो क्या है? एक आम सा बंदा भी, जैसे यूसुफ लिखा, वो अपनी पिता की भेड़ों और बकरियों को चराने वाला था। क्या था वो? भेड़ों और बकरियों को चराने वाला। पर उसके मन को परमेश्वर ने देखा और एक दिन उसे क्या बना दिया? राजा। राजा क्या बना दिया? एक दिन उसे राजा बना दिया। राजा, समझ आ रही है? तो इसलिए आज लोगों को सत्य क्या है ये समझने की जरूरत है। क्या है बोलो? सत्य क्या है? लोगों को समझने की क्या है? जरूरत है, जरूरत।